उत्तर प्रदेश के आगरा में 22 जुलाई शुक्रवार को पावर ग्रिड आगरा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्री सुनील चौधरी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक आगरा जोन आगरा के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उनके साथ वन विभाग के अन्य अधिकारीगण श्री रमेश चंद्र, वन संरक्षक एवं श्री आदर्श कुमार, DFO आगरा ने भी वृक्षारोपण किया। मुख्य अतिथि ने बताया कि वृक्ष जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अगर हम वास्तव में जीवित रहना चाहते हैं तो अच्छा जीवन यापन करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के अलावा पेड़ पर्यावरण से अन्य हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं, जिससे वायु शुद्ध और ताजी बनती है। जितने हरे भरे पेड़ होंगे उतना अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होगा और अधिक विषैली गैसों को अवशोषित करके प्रदूषण का स्तर इन दिनों बहुत अधिक बढ़ रहा है। इससे लड़ने का एकमात्र तरीका अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। वन महोत्सव का कार्यक्रम किया है, जहां हम लोग 75वीं आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लगभग 1200 पेड़ का वृक्षारोपण किया है। ये कार्यक्रम कब तक और कब कहां चलेगा? ये कार्यक्रम हमारे पावर ग्रिड स्टेशन में आज संपन्न हुआ है और फिर हम लोग 15 अगस्त के दिन भी लगभग 100 पेड़ और लगाएंगे और हम अपने सब स्टेशन को एक ग्रीन जोन की तरह बना के सजा के रखेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।